फ्रेंड्स, आज है ये बहुत ही अलग सी साबुदाने और कच्चे आलू से बने हुए पापड़ की रेसिपी। ये बहुत पूरे एक दिन में ही तैयार हो जाते हैं ये, और बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। साइज़ में बहुत बड़े तो नहीं होते ये, लेकिन हाँ, डबल हो जाते हैं ये। और ये पूरे साल रख के आप आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके लिए मैंने ये एक कप महीन वाला साबुदाना लिया है। मेरे पास ये था, मैंने ये लिया है। आप किसी भी साबुदाने से ये बना सकते हैं, किसी भी साइज़ के साबुदाने से। तो मैंने एक कप ये साबुदाना लेके और इसको अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश कर लिया, जब तक कि ये बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हो गया। तो ये मैंने रात में किया था प्रोसेस, क्योंकि मैं पूरी रात इसे सोख करके रखना है, भिगो के। इस तरह से मैंने कई बार पानी से धुल लिया, 2 से 3 बार, और फिर इसको रख लेना है। इस बीच में बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। तो ये देखिए, और अभी 1 कप पानी डाल के, थोड़ा सा कम है ये, इस साबुदाने को भिगो देते हैं हम। एक कप पानी, इसमें पानी का मेज़रमेंट ध्यान रखिएगा। मैंने अभी 1 कप डाला है, थोड़ा सा कम था। इसको पूरी रात भीगने के बाद ये मॉर्निंग में देखिए, कुछ इस तरह से खिले खिले से हमारे साबुदाने फूल के तैयार हो गए हैं। अभी ग्राइंडर में से ले लेते हैं, इसको ग्राइंडर जार में ले लेते हैं। और अभी आधा, मैंने 1 कप पानी लिया था, आधा डाल दिया है इसमें, क्योंकि इसे हमें पीसना है, और आधा अभी कप इसमें पानी है, तो ये है, बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पेस्ट बना लेना है हमें, इस तरह से देख सकते हैं। पानी आधा मैंने डाला था, आधा कप, और 1 कप भीगने में डाला है, और ये आधा कप पानी अभी इस भगोने में डालते हैं। तो टोटल 2 कप पानी हो गया, और ये तीसरा कप है, चौथा कप, पांचवा कप, ये छठा कप। तो इसमें टोटल 6 कप पानी गए हैं, भीगने से लेके और इस बॉयल करने तक पानी, साबुदाने को इसमें 6 कप पानी लगे हैं 1 कप साबुदाने में। और अभी थोड़ा सा पानी लेके इसको हल्का सा ग्राइंडर को धुल के फिर वापस इसमें डाल देना है हमें। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से, लम्प फ्री कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी तैयार होता है, तो ये देखिए इस तरह से। और दूसरी तरफ हम 2-3 बड़े आलू को कद्दूकस करके और उसको धुल के मैंने रख लिया है पानी में, ये देखिए इस तरह से। तो इसको जब 5 मिनट रह जाए कुक होने को, तो इसको निकाल लेना। ध्यान रहे पानी ना रहे इसमें, लच्छों को ना हो, तो आप स्ट्रेनर पे आप पहले रख दें, ताकि पानी उसका सारा ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह से इसमें डाल के और चला लेते हैं अच्छे से, तो पानी सारा निकला रहेगा, तो आपका बहुत जल्दी ये तैयार होगा। तो एक गलती हुई थी हमसे इसको पकाने में, मैंने बहुत पतले तले का ये बर्तन ले लिया था, तो नीचे से लगने लगा था। और ये नमक डाल देते हैं, और इसमें अभी कोई भी स्पाइसेस इसलिए नहीं डालेंगे कि हमारा पापड़ जो है वो उसमें कलर आ जाएगा। तो जब ठंडा हो जाए तब आप इसको जो भी फ्लेवर में आप बनाएं, काली मिर्च, जीरा, या फिर चिली फ्लेक्स, जो भी डालना हो आप थोड़ा ठंडा होने पे डालें। तो अभी मैंने सिर्फ नमक डाला है इसमें, और ये देखिए इसकी कुछ इस तरह से तैयार हो गया। बहुत ही आसान है बनाना ये, बिल्कुल ना तो बेलना है इसमें और ना ही घंटों फैलाना है, बस इसको यूँ ड्रॉप करते जाना है। तो अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है, और थोड़ी देर ठंडा करने पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं। और अभी देखिए, ये बर्तन मेरा जल चुका था, तो मैंने ऊपर से इसे निकाल दिया इतना, और इसको इस तरह से ठंडा कर लेना है। चलाते चलाते हमें ठंडा कर लेना है, थोड़ा, पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। पूरी तरह ठंडा करने पे ये गाढ़ा हो जाएगा, आप देख लीजिए, इसका एक साइन होता है इस तरह से, करछी के ऊपर इस तरह से एक परत जमने लगती है, इस तरह से लाइन खींचने पर वो लाइन बिल्कुल मेंटेन रहती है, जुड़ती नहीं है। अब इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, ये चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा, यहाँ पे आप चाहें तो जीरे की जगह काली मिर्च डाल दें,
या चिली फ्लेक्स की जगह थोड़ी सी कटी हुई धनिया डाल दें तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। अलग अलग फ्लेवर में आप बना सकते हैं ये, और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये चावल और साबूदाने के पापड़। आप व्रत के लिए इसे तैयार करके रख लें, एक दिन में अगर धूप तेज़ है तो एक दिन में ये तैयार हो जाते हैं। और आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं ये, इसको बस 2 से 3 दिन इसको लगेगा अंदर आपको सूखना सुखाने में। और फिर अगर स्टोर करना है तो फिर उसे 2-4 घंटे की धूप दिखा के फिर स्टोर कर लें। तो मैंने पहले करछे से डाला, फिर बड़े टेबल स्पून से मैंने इस तरह से क्वाइन क्वाइन बना के डाल दिया। हाथ से, एक हाथ से कैमरा दूसरे हाथ से बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से। देखिए ये बस हल्का सा इसको गिरा के और हल्का सा बस शेप इसका सही कर देना है, बाकी कुछ भी। और इसको बहुत पतला ना डालें, सूखने पे ये बहुत ही पतला हो जाएगा, इसलिए बस मैंने इस तरह से ड्रॉप किया है और शेप जो है वो सही किया है। तो ये देखिए डालते डालते दूसरी साइड के पापड़ इस तरह से छूटने लगे हैं, इस तरह से। मैंने कहा ना ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो अभी हम आपको पलट के भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट तल के दिखाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत आसानी से ये पलट भी जाते हैं। ये कच्चे आलू से और साबूदाने से पापड़ बना के रखिए, 1-2 साल जितना चले, बच जाए तो बहुत लंबा चलने वाला है ये। व्रत में भी खाइए, ऐसे भी आप मानसून में या फिर शाम की चाय पे, आप जब भी कोई आ जाए गेस्ट आप इसे एंजॉय करिए। तो ये देखिए मेरा पापड़ तैयार है, हल्का सा नीचे लगा था इसलिए थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है, वरना ये बिल्कुल वाइट पापड़ बनते हैं। और अभी तल के भी दिखा रहे हैं आपको, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं था, बस कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है मेरा। ये देखिए बनाइएगा ज़रूर, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और हाँ, इसके पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा ताकि आपको आने वाली फर्दर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से किया हुआ है सब्सक्राइब चैनल को तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर लाइक करना ना भूलिएगा, जाते जाते एक लाइक करते जाइएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करिएगा। और इस तरह के एक चावल के पापड़ की रेसिपी मैंने डाली है, किस तरह से 2 कप चावल में मैंने 200 पापड़ तैयार किए थे और वो पापड़ बहुत ही 2 गुना से 3 गुना बढ़ के तैयार हुए थे तलने के बाद। और चिप्स की रेसिपी भी है, तो उन्हें ज़रूर आप एक बार चेक करिएगा। और साथ ही चैनल पे पड़ी हुई और रेसिपीज़ को एक बार चेक ज़रूर करिएगा। तो फिर देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय।